दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। सोमवार को गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के हिंडन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और चार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैर में गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी अजीत सिंह भी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि चार बदमाश राजेंद्र नगर से एक सियाज गाड़ी लूट कर फरार हो रहे थे। थाना साहिबाबाद इनकाउंटर हुआ, क्या पूरा मामला बताया? थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक थाना साहिबाबाद पुलिस को सूचना मिली कि राजेंद्र नगर कॉलोनी से एक सियाज कार लूट के कुछ बदमाश फरार हो गए हैं। इस सूचना पे चूंकि उस समय चेकिंग भी चल रही थी, पुलिस को अलर्ट किया गया, पुलिस पार्टी बना के पीछा किया गया उनका, आगे गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया, उसके बाद पीछा किया गया। जब हम हिंडन पुल से इंदिरापुरम दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पुलिस पार्टी पे उस गाड़ी में से दो बदमाशों ने फायर कर दिया और उसके बाद कूद के भागने लगे। पुलिस ने भी काउंटर फायरिंग किया तो यहाँ पे दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इस इनकाउंटर में एक थाना साहिबाबाद का एक सिपाही अजीत, वो भी फायर आर्म इंजरी हुई है उसको भी एडमिट करा दिया गया है। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो फिलहाल एक पिस्टल, एक तमंचा, कुछ कारतूस और जो गाड़ी का ओनर था और ड्राइवर भी वही था, उसका पर्स भी एक बदमाश के पास से मिला है जिसमें कुछ पैसे और उसकी अन्य वैल्यूएबल्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह थे। बाकी दो बदमाश गाड़ी में थे जो गाड़ी को लेके भाग गए हैं, उनकी तलाश के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो सीमावर्ती क्षेत्र है कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको भी सूचित कर दिया गया है, उनकी सघन तलाश की जा रही है, शीघ्र ही हम उनको भी पकड़ लेंगे। इन पे कुछ इनाम भी था? नहीं, ये तो तत्काल की घटना है और उसके बाद तत्काल पुलिस ने ट्रेस किया है क्विक रिस्पॉन्स करते हुए, तो इनाम वाली कोई बात नहीं है।